नमस्कार बरेली समाचार चैनल में आपका स्वागत है। परशुराम सेना ने आज अलकनाथ मंदिर पर एकत्र होकर भगवा बाइक रैली निकाली। बताते चलें कि परशुराम जयंती के उपलक्ष में आज बाइक रैली का कार्यक्रम था। उन्होंने एकत्र होकर वहां से जयकारे के साथ बाइक रैली निकाली। अलकनाथ होते हुए बड़ा बाजार, साहूकारा और हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स पर इसका समापन हुआ है। काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी वहां पर एकत्र हुए, जिसमें परशुराम सेना के विष्णु गुप्ता प्रदेश प्रमुख, परशुराम सेना उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया। देखते रही खबर बरेली से, कविता की रिपोर्ट। सर आज क्या कार्यक्रम है यहाँ पर? आज भगवान परशुराम जी की जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं और हम लोग की जो शोभा यात्रा है ये यहाँ अलकनाथ मंदिर से होते हुए और हनुमान मंदिर सिविल लाइन वहाँ पर हम लोग पूजन का कार्य करेंगे। कहाँ से कहाँ निकलेंगे, क्या रूट होगा? रूट हमारा यहीं से अलकनाथ मंदिर से होते हुए शाहूकारा होते हुए किला और फिर सिविल लाइन मंदिर हनुमान मंदिर पे हम लोग वहाँ जाके सब लोग पूजा का कार्य करेंगे। बाप आरती और प्रसाद वितरण करेंगे। प्रदीप गुप्ता, जिला अध्यक्ष परशुराम सेना बरेली। आज परशुराम जयंती है और परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम एक बाइक रैली निकालते हैं जो 17 से लगातार अब तक निकलती आई है और सारे भक्तगण इसमें रहते हैं और हमारा अलकनाथ मंदिर से किला मंदिर होते हुए और सौकारा, कुतुबखाना, कोतवाली और कोतवाली के बाद में हनुमान मंदिर, यहाँ पर ही हमारी हनुमान मंदिर पर आरती होती है, महाआरती, और वहाँ प्रसाद वितरण होता है। और बाइक रैली जो हम लोग निकालते हैं परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, इसलिए क्योंकि अमन शांति बनी रहे और एक अच्छा मैसेज जाए। यही है। मेरा नाम अमित गुप्ता है, मैं परशुराम सेना से प्रदेश महासचिव हूँ। क्या कहना चाहते हैं आज परशुराम? आज परशुराम जी के आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं और इसमें हमने भगवा बाइक रैली का आयोजन किया है और इसमें हम सारे भक्तगण परशुराम जी की भगवा बाइक रैली लेके श्री अलकनाथ मंदिर से प्रारंभ करेंगे और ये किला, कुतुबखाना और घंटाघर होते हुए श्री हनुमान मंदिर जी को वहाँ प्रस्थान करेंगे, वहाँ पे महाआरती करके प्रसाद वितरण करके इसका समापन करेंगे। बरेली क्या संदेश? बरेली की हम ये दुआ मानेंगे, बरेली में अमन शांति बनी रहे और बरेली हमेशा बरेली वाले सभी खुश रहें हमेशा और हमेशा शांति बनी रहे। ठीक है, पुलिस प्रशासन से भी हमारा ये कहना है, ये बरेली के लिए बहुत सहयोग देते हैं और हमें हमारे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी सुख दुख में हमारे साथ बने रहते हैं।